अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम जलेबिया के नेक पे डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ से लेके डिज़ाइन हम बनाना शुरू करेंगे यहाँ तक, और नीचे की तरफ भी डिज़ाइन को बनाएंगे। तो सबसे पहले डिज़ाइन को बनाने के लिए हम बेस लाइन बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने सिल्क धागा लिया है। दो कलर के धागे से मैं इस डिज़ाइन को बनाऊँगी, और इसमें इस तरह की गोल्डन बीड्स लगाएंगे। ठीक है, तो पहले इस वाले धागे से मैं और डिज़ाइन को बनाने के लिए जो है बेस लाइन को बना लूँगी। तो आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से 4 या 5 लेयर के धागे से डिज़ाइन को बना सकते हैं, और अगर मैं छोटे वाले धागे यूज़ करती हूँ तो 4 लेयर करके बना लेती हूँ, और अगर बड़े वाले धागे यूज़ करती हूँ तो 5 लेयर करके बना लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम बेस लाइन बनाना शुरू करेंगे नेक के यहाँ से। और नीडल में ले रही हूँ 14.05 mm की। इसको मैं बेस लाइन को बनाने के बाद नीडल को मैं अपने चेंज कर लूँगी, क्योंकि कोई कपड़े में जाती नहीं है नीडल। तो मैं ज़्यादातर 11 नंबर की कुरेशिया से बेस लाइन डिज़ाइन को बनाती हूँ। तो लेकिन इस कपड़े में वो नीडल आराम से नहीं जाएगी, ये थोड़ा सा मोटा कपड़ा है। तो मैं इस वाली नीडल से पहले बेस लाइन बना लूँगी, फिर उसके बाद कुरेशिया को चेंज कर लूँगी। आप चाहें तो पूरी डिज़ाइन को इसी नीडल से बना सकते हैं, लेकिन मुझे वो नीडल ज़्यादा इजी लगती है, इसलिए मैं ज़्यादातर 11 नंबर की नीडल यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पे 3 चैन लेके डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 चैन डबल क्रोशिया। ये कपड़े में बुकरम ज़्यादा मोटा लगा है ना, इसलिए से थोड़ा सा मुश्किल हो रही है नीडल अंदर जाने में। ऐसे में नीडल जो है टूटने का भी डर रहता है, टूटती भी है। फिर 1 चेन डबल क्रोशिया। तो हम 1 चेन डबल क्रोशिया के साथ बेस लाइन को तैयार करेंगे। तो यहाँ से ऐसे बेस लाइन बनाते हुए आएंगे नेक के, यहाँ इस साइड तक आ जाएंगे बनाते हुए यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तक बनाते हुए आ गए हूँ। बेस लाइन हमारी तैयार हो गई है, यहाँ पे राउंड नेक पे तैयार हुई है। अब हम इस तरफ की बेस लाइन को बनाएंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पे मैं 5 चैन लेके इस साइड में डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह फिर 1 चैन लेके डबल क्रोशिया, ये जो डबल क्रोशिया है ना उसी धागे के अंदर ले जाते हुए बनाएंगे। फिर 1 चेन लेके और इस डबल क्रोशिया है जितनी उसी धागे के अंदर ले जाके ऐसे बना लेंगे। तो इसी तरह से मैं बनाते हुए यहाँ तक पहले आ जाती हूँ, ये बीच तक आ जाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ बीच तक बनाते हुए आ गई हूँ। अब इस लाइन पे भी हम बना लेंगे बेस लाइन को। यहाँ पे इस तरह पकड़ेंगे, ये जो बीच में हमारी सिलाई है ना इसके ऊपर इस तरह बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर 1 चेन लेके पूरी लाइन पे 1 चेन डबल क्रोशिया बनाते हुए बेस लाइन बनाएंगे। तरह से यहाँ पे बन जाएगी। तो मैं नीचे तक बना के फिर बताती हूँ आगे कैसे करना है। तो यहाँ नीचे तक आ गई इस तरह से बनाते हुए। अब यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 चेन लेके अब इस तरफ बनाएंगे बेस लाइन, पहली वाली क्रोशिया के अंदर इस तरह डबल क्रोशिया बना लेंगे। और फिर 1 चेन लेके इस तरफ इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 चेन लेके जितनी भी क्रोशिया है सब पे 1 चेन डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे।
ठीक है। इस तरह से बनाते हुए ऊपर की तरफ ऐसे आऊंगी, यहाँ तक बनाते हुए आके फिर इस तरफ भी इसी तरह से बनाते जाएंगे, ठीक है। तो मैं पूरी बेस लाइन बना के फिर आगे देखते हैं डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। तो पूरी बेस लाइन तैयार हो गई, ऊपर तक आगे हूँ बनाते हुए। यहाँ पे देखिए इस तरह से बीच में जो बनी है हमारी, और जो यहाँ पे नीचे की साइड में ये राउंड शेप जो बना है। अभी हम यहाँ से 1 2 3 चैन लेके ऐसे घूमते हुए यहाँ पे पहली गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, मोतियों के साथ में बनाएंगे इस तरह। फिर एक चैन लेके दूसरे में डबल क्रोशिया मोतियों के साथ में बनाएंगे। तो इस लाइन को हम मोतियों के साथ बनाते हुए पूरी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं बनाते हुए आती हूँ पहले यहाँ तक, फिर आगे देखते हैं कैसे बनेगी। तो यहाँ तक बनाते हुए आ गई हूँ, इस तरह से मैं दिखाती हूँ यहाँ तक बना ली हूँ। अब ये जो कॉर्नर वाला गैप है ना हमारा, इसको छोड़ के इसमें बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम चैन नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे और इस वाले गैप में बना लेंगे बगैर चैन लिए। इस तरह बना के फिर एक चैन लेके इस तरफ बनाते जाएंगे उसी तरह से। यहाँ पे देखिए ये कॉर्नर पे इस तरह से बन जाएगी। तो मैं इस तरह से बनाती हुई अब नीचे तक आ जाती हूँ, यहाँ तक नीचे तक आ जाएंगे बनाते हुए यहाँ तक। तो यहाँ नीचे तक बनाते हुए आ गई हूँ, और यहाँ पे ये जो बीच वाला गैप है ना, इसमें मैंने सेफ्टी पिन लगा दी है ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये जो 5 चैन वाला ये गैप है जिसमें मैंने सेफ्टी पिन लगाई है, तो यहाँ पे इस पहले वाले गैप में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1। अब यहाँ पे ये चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पे मैंने चैन लेके बना लिया ना, अब चैन नहीं लेंगे। 2 3 पूरे राउंड पे जो हम बनाएंगे चैन नहीं लेंगे। अब ये बीच वाला जो चैन का गैप है इसके अंदर बनाएंगे। तो अब हम सेफ्टी पिन को निकाल देते हैं, फिर उसके बाद बनाएंगे इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 बार बना लेंगे। अब इस तरफ बनाएंगे 1 2, तो इस वाले गैप में हम 2 बार बनाएंगे। अब एक चैन लेके इस तरफ बनाएंगे, उसी तरह से एक चैन डबल क्रोशिया सब में बनाते जाएंगे। तो मैं दिखाती हूँ किस तरह से ये राउंड शेप हमारा बनेगा, कुछ इस तरह से हमारा ये राउंड शेप बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। मैंने और बहुत सारी वीडियो बनाई है, सब में थोड़ा सा डिफरेंट करके राउंड शेप आप बना सकते हैं। आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जो भी आपको तरीका आसान लगे, आपको जो भी अच्छा लगे उस तरीके से आप इस राउंड को बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं बनाते हुए इस तरफ वो यहाँ तक जाऊंगी पहले यहाँ तक, और यहाँ पे आके हम इस गैप को छोड़ के बनाएंगे, इसमें बनाएंगे और इसमें बनाएंगे। फिर इस तरह से बनाते हुए ऊपर तक आ जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ ऊपर तक बनाते हुए आ गई हूँ। अब यहाँ पे हम 1 2 3 चैन लेके ऐसे आ जाएंगे राइट साइड में, और यहाँ पे पहले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर एक चैन लेके डबल क्रोशिया सारे गैप में बनाएंगे। इस बार हम मोतियों को नहीं लगाएंगे,
ठीक है। तो इस तरह से मैं बनाते हुए यहाँ तक आऊंगी पहले। तो यहाँ पे जिस तरह से बना रही हूँ उसी तरह से बनाएंगे। ये बीच वाला जो हमारे पास गैप है इसको छोड़ के और इसमें बनाएंगे, इस वाले गैप को छोड़ेंगे, दोनों तरफ हम उसी तरह से बनाएंगे। तो मैं यहाँ तक बनाते हुए आके फिर नीचे तक आ जाती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से हमारी लाइन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ नीचे तक आ गई हूँ बनाते हुए। अब हम यहाँ से ये जो दो डबल क्रोशिया एक साथ बनी है ना, तो यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे राउंड शेप, और यहाँ जो तीन डबल क्रोशिया एक साथ बनी है यहाँ तक बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें 1 2 दो बार बना लेंगे, फिर अगले गैप में 1 2, फिर इसके ऊपर जितने गैप हैं सब में दो दो बार बनाते जाएंगे। तो इस तरह से मैं बनाते हुए यहाँ तक आ जाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक सारे गैप में दो दो बार हमें बनाना है। अभी यहाँ पे भी एक गैप अभी हमारे पास है ना ये, तो इसमें भी हम बनाएंगे। पहले सेफ्टी पिन को हम निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पे इस वाले गैप में दो बार बना लेंगे, तो राउंड शेप पे कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक दो दो बार सारे गैप पे बनाएंगे क्रोशिया। अब एक चेन लेके इस गैप में डबल क्रोशिया, अब एक चेन लेते हुए इस तरफ भी उसी तरह से बनाते जाएंगे। तो मैं अपनी इस लाइन को पूरी करके फिर बताती हूँ इसके बाद वाली लाइन को, ठीक है। तो ऊपर तक बनाते हुए आ गई हूँ। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन लेके फिर से ऐसे घुमाते हुए सीधी तरफ आएंगे, और फिर पहले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे और मोतियों के साथ में बनाएंगे इस लाइन को। इस लाइन को पूरी करने के बाद फिर हम डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। 1 चेन डबल क्रोशिया मोतियों के साथ में बनाते जाएंगे। तो मैं इस तरह से बनाते हुए नीचे तक आ जाती हूँ, जो राउंड शेप है वहाँ पे हम देखते हैं कैसा बनेगा। बाकी तो आप इस तरह से बनाते हुए पूरे पे बना लीजिएगा। और यहाँ पे जो है हर बार की तरह बनेगी, एक गैप को आप बीच वाले गैप को छोड़ के बनाएंगे, और यहाँ पे इस तरह से हर बार बनेगी। और यहाँ पे जो है अब यहाँ तक मैं आ जाती हूँ बनाते हुए, ठीक है। तो यहाँ नीचे तक आ गई हूँ बनाते हुए। अब हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर कैसे बनाएंगे। तो यहाँ तक हमें बनाना है, ये हमारा राउंड शेप का हिस्सा है, यहाँ से लेके यहाँ से ये गैप है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हम बनाएंगे किस तरह से। ये देखिए ये गैप है ना राउंड से शुरू हुआ है, जो यहाँ से एक चेन लेके डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, फिर एक चेन लेके इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेके जितनी क्रोशिया है सबके ऊपर बनाएंगे, और एक चेन लेते हुए बनाएंगे इस बार। तो इस तरह से बनाते हुए यहाँ तक आ जाना है हमें। ठीक है, मैं यहाँ तक बना ली हूँ। अब यहाँ तक आ जाती हूँ बनाते हुए, फिर दिखाती हूँ कैसे। तो यहाँ तक बनाते हुए आ गई। अब इस पिन को निकाल देते हैं पहले, और यहाँ पे भी बना लेंगे।
तरह अब वन चैन लेके पूरे पे बनाते जाएंगे सारे गैप के अंदर। तो अपनी इस लाइन को पूरी करके फिर हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। देखते हैं किस तरह से राउंड शेप बना है। इस तरह से शेप बन जाएगा, बहुत अच्छे से राउंड शेप बना है, देखिए। ठीक है, मैं इस लाइन को पूरी करके फिर आगे बताती हूँ कैसे करना है। तो ये लाइन पूरी हो गई, यहाँ पे मैं धागे को कट करके निकाल देती हूँ। अब ब्लैक वाले धागे से हम डिज़ाइन को बनाएंगे, इस धागे का यहाँ पे काम अब नहीं है। पूरी बेस लाइन हमारी तैयार हो गई इस तरह से। बाद में इसको हम ऐसे करेंगे, जब प्रेस करेंगे ना तब ये अच्छे से सेट हो जाएगी डिज़ाइन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी कुरेशिया गिन लेती हूँ, फिर उसके बाद डिज़ाइन जैसे जहाँ जहाँ डिज़ाइन हमारे फ्लावर बनेंगे ना तो उस पर एक निशान में लगा लेती हूँ, फिर डिज़ाइन को शुरू करूँगी। तो इस तरह से मैंने कुरेशिया गिन के पूरे पे निशान लगा दिया है। यहाँ से ये नीचे के जो है ना, नीचे टॉप से मैंने गिना है और ऊपर तक निशान लगाती हुई आ गई हूँ। यहाँ पे सेफ्टी पिन मेरी कम हो गई है इसलिए यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन नहीं लगाई है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है यहाँ पे किस तरह से करना है। ऊपर पूरे पे मैंने सेफ्टी पिन से निशान लगा दिया है जहाँ जहाँ हमें डिज़ाइन को बनाना है, पैटर्न को बनाना है। तो मैं पहले हम लोग पैटर्न बनाना सीख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप गिन करके कुरेशिया को निशान लगा सकते हैं ताकि आपकी डिज़ाइन बिल्कुल से सेट हो जाए, दोबारा खोलने की ज़रूरत आपको ना पड़े। ठीक है, पहले हम पैटर्न देख लेते हैं किस तरह से बनेगा, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ किस तरह आप गिन सकते हैं। यहाँ पहले गैप में अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर इस वाले गैप में जो मैंने निशान लगाया ना इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस सेफ्टी पिन को निकाल देती हूँ मैं। आपके पास सेफ्टी पिन नहीं रहेगी तो कोई मुश्किल नहीं, मैं आपको अंदाज़ा बता दूँगी जब मेरा पैटर्न तैयार हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूँगी किस तरह से आप डिज़ाइन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है डबल क्रोशिया 4 बार बनाएंगे, 3, 4, 4 बना के फिर एक चैन लेके फिर से उसी में 4 बार बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 बना के एक गैप को छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चैन लेके इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चैन लेके सिंगल क्रोशिया, इस तरह से यहाँ पे 4 गैप में सिंगल क्रोशिया बन जाएगी। इस तरह निकाल देंगे। तो अब मोतियों को भी लगाएंगे साथ में, एक गैप को छोड़ते हुए इसमें बनाना है, 1, 2, 3, 3 डबल क्रोशिया बना के 8 मोती लगाएंगे, 4, 4, 8, इस तरह लगा के फिर उसी में डबल क्रोशिया, इस तरह 8 मोती लेके फिर से उसी में डबल क्रोशिया, और फिर से 8 मोती लगाएंगे, 4, 4, 8, और फिर से उसी में डबल क्रोशिया। अब 2 बार और बना लेंगे इसी में डबल क्रोशिया, 1, 2, तो इसमें टोटल 8 डबल क्रोशिया हमारी बन जाएगी। अब एक गैप को छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन लेके सिंगल क्रोशिया, इस तरह 4 गैप में बना के, अब एक गैप को छोड़ के इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, इसमें मोतियां नहीं लगाएंगे, फिर एक चैन लेके 4 बार और बना लेंगे उसी में, 2, 3, 4,
अब एक गैप को छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके चार स्पेस में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो अब की बार जो बनाएंगे हम यहाँ पे, फिर एक गैप को छोड़ के दूसरे में डबल क्रोशिया। तो अब इसमें हम मोतियाँ लगाएंगे इस वाले पैटर्न पे, टू थ्री, तीन क्रोशिया बना के फिर आठ मोती लेंगे इस तरह लगाएंगे। फिर आठ मोती लगा लेंगे, फिर वन टू, दो डबल क्रोशिया सिम बना लेंगे, फिर एक गैप को छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम अपनी इस लाइन को बनाएंगे, ठीक है। एक पे हम मोती नहीं लगाएंगे, एक पे मोती लगाएंगे, और शुरू वाली जो बनाएंगे उस पे हम मोती नहीं लगाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए मैं पूरी लाइन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि आप लोग किस तरह से गिन के निशान लगा सकते हैं, किस तरह से आसानी से डिज़ाइन को बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये लाइन पूरी कर ली है, यहाँ से बनाती हुई इस तरफ से बनाती हुई नीचे तक आई हूँ। यहाँ पे एक फ्लावर हमारा बनेगा नीचे की तरफ बिल्कुल, फिर इस तरफ से बनाते हुए ऐसे इस तरफ भी पूरी बना ली हूँ लाइन को, ठीक है, ऊपर तक। तो अभी मैं बता दूँ आप लोग किस तरह से गिन सकते हैं। यहाँ से जब आप शुरू करेंगे ना, तो यहाँ से आप देखेंगे ये पैटर्न, आप देखेंगे वन, ये पत्ती आप बोलें या पैटर्न बोल लें, तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ तक जो है आठ पैटर्न बनना चाहिए ये राउंड शेप में। जब आठ पैटर्न बनेगा ना, तो ये हमारा फ्लावर बिल्कुल से सेट हो जाएगी डिज़ाइन। अगर यहाँ पे सात पैटर्न आते हैं ना, तो फिर डिज़ाइन आपकी सेट नहीं होगी, या तो आपका नेक अगर छोटा होगा तो छह पैटर्न बनेंगे तो भी सेट हो जाएगी डिज़ाइन, लेकिन अगर सात बनते हैं, जैसे नौ बनते हैं, पाँच बनते हैं, तो फिर डिज़ाइन आपकी सेट नहीं होगी। तो इस चीज़ का यहाँ पर ख्याल रखिए, यहाँ से ले कर यहाँ राउंड शेप तक आठ पैटर्न बनने चाहिए आपके, तो आपकी डिज़ाइन बिल्कुल सेट होगी। और अगर आप क्रोशिया गिन रहे हैं तो आठ पैटर्न बनने के बाद स्पेस ज़्यादा आ रहा है ना, तो क्रोशिया ज़्यादा हो रही है, तो ये जो मैंने स्पेस दिया यहाँ पे चार चार क्रोशिया का, तो सिंगल क्रोशिया चार चार बनाई है ना, तो यहाँ पे आप छः क्रोशिया भी स्पेस दे सकते हैं, छः सिंगल क्रोशिया का बनाते हुए स्पेस देते हुए बना सकते हैं, इस तरह से आप गिन सकते हैं। और फिर नीचे की तरफ आप देखेंगे ना जब, तो यहाँ से आप गिनेंगे, यहाँ से आप टॉप से, यहाँ सोच के ये चलेंगे कि यहाँ पे हमारा एक फ्लावर आना चाहिए, तो यहाँ से जब आप गिनेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, यहाँ तक सोलह पैटर्न ये बनना है। तो अगर आपकी ये लंबाई कम होगी तो आप यहाँ चौदह भी पैटर्न बन सकते हैं, बारह भी बन सकते हैं, तो इवन नंबर में होने चाहिए। जैसे कि आपके अगर तेरह बन गया, पंद्रह बन गया, तो फिर आपकी डिज़ाइन सेट नहीं होगी। तो आप चौदह भी बना सकते हैं, बारह बना सकते हैं, या तो सोलह बना सकते हैं, जितनी आप लंबाई देंगे ना, बस इवन नंबर में होना चाहिए यहाँ भी, और इस तरफ भी इवन नंबर में होना चाहिए, तो आपकी डिज़ाइन बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और जो स्पेस अगर आप ज़्यादा देना चाहते हैं, तो ये बीच बीच में जो मैंने स्पेस दिया है, तो वहाँ पे स्पेस आप ज़्यादा दे सकते हैं। स्पेस ज़्यादा देने से क्या होगा, आपके ये फ्लावर थोड़े थोड़े से दूर बनेंगे और डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बस फ्लावर थोड़े थोड़े से दूर बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पहले आप क्रोशिया गिन लीजिए, फिर उसके बाद आप डिज़ाइन को बनाएंगे ना, तो आपकी डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। अब यहाँ से फिर से हम इसके ऊपर वाली लाइन को बनाएंगे। यहाँ पे मैंने जो धागा निकला था ना, उसी में मैंने अपने ब्लैक वाले धागे को फिर से अटैच कर लिया है। वन टू थ्री यहाँ पे बना लेंगे सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर। अब यहाँ पे वन टू थ्री फोर, चार चेन लेके इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया।
अच्छा, आप लोग एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखिएगा, यहाँ पे जैसे मैंने चार सिंगल क्रोशिया का स्पेस दिया है ना, तो यहाँ पे चार चेन बना रही हूँ। अगर यहाँ पे आप स्पेस जो है 5 या 6 या 7 जितना दे रहे हैं, दूर कर रहे हैं ना, लेकिन 6 से ज़्यादा दूर मत करिएगा, नहीं तो आपकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा दूर दूर हो जाएगी। अगर यहाँ पे आप 6 सिंगल क्रोशिया का गैप दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो है अटैच करने के टाइम 6 चेन लेते हुए आप यहाँ पे अटैच करेंगे, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा बस। 1 2 3 4 चार बना के डबल क्रोशिया, इसमें 3 मोती लगा लेंगे ऐसे, और इस तरह 2 धागों से अंदर अटैच कर लेंगे पहले, फिर उसी में 4 बार बना लेंगे डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 चार बना के अब इस बीच वाले में भी इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 3 4 3 मोती लगा लेंगे, इस तरह लगा के 2 धागों से अंदर जाते हुए पहले इसको लॉक कर देंगे, फिर से 4 बार उसी में बना लेंगे। 1 2 3 4 अब इसमें भी 4 बार बना लेंगे, फिर मोती लगाएंगे, इस तरह लॉक करके फिर उसी में 4 बार बना लेंगे। 1 2 3 4 अब यहाँ पे 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और यहाँ पे बीच में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 1 2 3 4 चार चेन लेके अब इस तरफ वाले बीट्स में इसी तरह बनाएंगे, तो इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से मैं बनाते हुए पूरी डिज़ाइन कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक कैसा आता है। ठीक है ना, तो पूरी डिज़ाइन हमारी बन चुकी है, लेकिन अभी इस पर बस एक काम बाकी है, यहाँ पे ना हम बॉर्डर बनाएंगे अंदर की तरफ, तो बस इसको बॉर्डर को बना के फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को फाइनल लुक इसका कैसा आया है। यहाँ से हम अटैच कर लेंगे। वैसे बहुत सारी बहनों को मेरी आता होगा ये बॉर्डर बनाना, लेकिन हो सकता है कोई बिगनर सिस्टर हमारी देख रही हो इस वीडियो को, तो उनके लिए मुश्किल ना हो, इसलिए मैंने सोचा इतना भी बता दूं, कोई मिस ना हो कोई भी पार्ट। ठीक है, इस तरह यहाँ अटैच करके 3 चेन लेते हुए यहाँ से बनाते जाएंगे ना, तो यहाँ पर भी एक ऐसे ब्लैक बॉर्डर जैसा बन जाएगा, तो हमारी डिज़ाइन बहुत अच्छी दिखेगी। ऐसे कवर करते जाना है। आप देखिए इस तरह से यहाँ पे करने से ना, फिर बाद में जब हम इसको ऐसे सिलाई कर देंगे ना, बहुत अच्छी डिज़ाइन दिखेगी। अब 1 2 चेन लेके इसी में डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 1 2 चेन लेके क्रॉस गैप में जो गैप है ना इसके अंदर बनाएंगे, और साथ में हमें मोतियों को लगाना है। वन टू थ्री फोर 4 बार इसमें डबल क्रोशिया बना के अब 1 2 गैप को छोड़ देंगे, तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 चेन लेके फिर से उसी तरह से बनाएंगे, 1 2 3 4 फिर 2 गैप को छोड़ के तीसरे में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम अपने बॉर्डर को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो मैं पूरे बॉर्डर को बना के फिर दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा आता है।
तो इस तरह से देखिए हमारी डिज़ाइन जो है बनके तैयार हो गई है, जो कि बहुत ही प्यारी दिख रही है डिज़ाइन। अगर आप इसे सिंपल से ड्रेस पे बनाएंगे ना तो बहुत प्यारी दिखेगी ये डिज़ाइन, यहाँ पे इस तरह। और यहाँ पे मैंने साइडों में ना सिलाई लगा दी है सुई धागे से, हल्के हल्के दोनों साइडों में सिलाई लगा दी है, ये ऊपर की तरफ भी पूरे में सिलाई लगा दी है, ताकि ये डिज़ाइन जो है ऐसे पलटे ना। ठीक है, तो आप लोगों को कैसी लगी डिज़ाइन आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो और डिज़ाइन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।